कहते हैं कि आदि जो अंत, आदि में जो हुआ वही अंत में होगा। तो आदि में राम बाप पूरा ज्ञान न होने के कारण ज्ञान से टूट पड़ा है। अंत में तो पूरा ज्ञान होते हुए भी, अंत कब होता है? आदि में तो टूट पड़ा, उस आदि का अंत कब हुआ? सो तुम्हें पता ही नहीं, पता न होने के कारण पूछ रहे। अब बताओ, याद तो दिला रहे। आज तो हुआ, आदि में 42 में है या 41 में, अंत कब हुआ? हैं? 76 में। तो क्या हुआ अंत में? अरे हैं? 76 में दोनों बातें हुई कि नहीं? संगम हुआ। क्या संगम हुआ? शूद्र और ब्राह्मण का संगम हुआ, पतित और पावन का संग हुआ, संगम हुआ। पतित कहां से आया और पावन कहां से आया? नीचे से आया पतित, ऊपर से आया तो संगम हो गया। और आदि में पतित हुआ, उसका कारण भी मुरली में बता दिया। क्या कारण बताया है? शुरुआत में पूरा ज्ञान नहीं था तो पतित हो पड़े। जो बुद्धिमान है उसको तो बुद्धि की खुराक चाहिए। कुछ आत्माएं बुद्धि की तीखी होती है, कुछ आत्माएं दिल की दिलावर होती है। तो जो दिल की दिलावर हैं, वो तो भक्ति भाव के आधार पर जिंदा बनी रही, और जो बुद्धि का भोजन विशेष लेने वाला था वो टूट पड़ा, उसके फॉलोअर से टूट पड़े। और बाबा गायत्री मंत्र जो है ना, ओम गुरु बेहद में अर्थ क्या है? उसमें नाम ही है गायत्री। जो तीन देवियां हैं, तीन देवताएं हैं, उनका गायन है। और बाबा कहते हैं कि इन बच्चों को नारायणी नशे में रहना है, तो नारायणी नशा और नारायण का नशा, इसमें कोई अंतर है? बाल बच्चेदार हो कि नहीं? शादी हुई थी, कुछ नशा चढ़ा था है? चढ़ा था, वो नारायण ही नशा था कि नारायण ही मिलने वाली है? समझ में आ गया? नहीं आया है? नारायण ही नशा, नारायण का नशा नहीं इतना ज्यादा होता है। नारायणी में प्योरिटी ज्यादा होती है, नारायण में ज्यादा प्योरिटी होती है? नारायणी में ज्यादा प्योरिटी होती है, तो प्योर माल तो नशा चढ़ाएगा ना। कहां लफदर और कहां नारायणी, कहां वैश्या और कहां नारायणी? नशा ज्यादा कौन से किससे आएगा? नारायणी से नशा आएगा। अभी भी कहते हैं विजय माला का आवाहन करो, नशा चढ़ाना है तो आवाहन करो। नहीं लफदरियों में लगा रहे ना, तो लफदरियों में लगे रहो। और बाबा का मुकर्रर रथ ब्रह्म बाबा जो है, बाबा का मुकर्रर रथ ब्रह्म बाबा जो है, है नहीं, जब थे तो जाता थे, मुकर्रर था टेम्पररी, तो टेम्पररी रथ था, दिन तक उन्हों नहीं रहे। हाँ टेम्पररी था। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि वो माँ का पार्ट था। भगवान अम्मा के रूप में आता है कि पुरुष रूप में? पुरुष रूप में आता है, अम्मा के रूप में थोड़ी आता है। तो जिस रूप में आता है वो ही मुकर्रर रूप हुआ।
बच्चे का कनेक्शन बाप के नाम पर ज्यादा चलता है कि माँ के नाम पर चलता है? मुकर्रर कनेक्शन किसका पूछा जाता है? हैं? किसके बच्चे हो? बाप का नाम पूछा जाता है, जबकि बाप तो सिर्फ बीजारोपण ही करता है, माँ तो 9 महीने पेट में धारण करती है, फिर बाद में पालन पोषण भी करती है वर्षों तक, थोड़ा बहुत तो पढ़ाती लिखाती भी है, फिर भी माँ का नाम नहीं चलता, नाम बाप का चलता है। और अड़ीस हजार साल के बाद, अढ़ीस हजार साल के बाद, ढाई हजार साल के बाद, अड़तीस नहीं ढाई हजार साल के, ढाई हजार के साल के बाद, हाँ, राजाई दोपहर ऋषि चालू होती है, उसमें मुस्लिम को राजाई क्यों ज्यादा मिलती है? शिव को राजाई मिलती है, द्वापर युग से जो राजाई शुरू होती है उसमें कलयुग तक इस्लाम को राजाई ज्यादा मिलती है। हाँ, इसलिए मिलती है कि उनकी बुद्धि एक तरफ रहती है, काबा की तरफ। ये हिंदू तो कहाँ कहाँ काफिर, कहाँ कहाँ फिरती रहती है इनकी बुद्धि। इनकी बुद्धि एक जगह टिकती है, सारे हिंदू सारी दुनिया में फैल जाते हैं, सारी दुनिया में फैल जाते हैं। तो विविचारी बने या एकचारी बने? विविचारी बन गए, शक्ति खत्म हो गई, शक्ति छीण हो गई। तो एकाग्र बुद्धि रहेगी तो ताकत रहेगी, बुद्धि अनेक व्यापी हो गई तो शक्ति खत्म। और बाबा भूत प्रेत आत्माएं आगे आने दिए क्या कैसे? हैं? भूत प्रेत आत्माएं आगे आने दिए क्या? आगे आना अनादि है क्या? आदि अनादि माने वो आत्माएं नहीं है, भूत प्रेत आत्माएं जो आती हैं प्रवेश करती हैं वो आत्मा नहीं है, कहते हैं प्रेत आत्मा। तो प्रेत शब्द के पीछे भी आत्मा लगाते हैं ना, इसलिए आत्मा है तो अविनाशी है, अविनाशी है तो अनादि है। उसका पार्ट भी अनादि है। हाँ जी, वास्तु निकला है, वास्तु क्या है? वास्तु वास्तु शास्त्र। हाँ, वास्तु शास्त्र क्या है? माने आप अभी वास्तु शास्त्र वालों को विश्वास कर रहे हैं? बच्चे करते हैं इसलिए आप करते हैं, बच्चे करते हैं तो आप पूछ रहे हैं ना। माने बच्चों को बाप का ज्ञान नहीं सुनाते, वास्तु शास्त्र की बातों पर कन्फर्मेशन कर रहे हैं, हैं? ये पैसे कमाने के धंधे हैं, हैं? असली वास्तु शास्त्र भी विश्वकर्मा जानता है या दूसरे जानते हैं? विश्वकर्मा जाने, विश्व का पिता जाने। और तो सब वास्तु शास्त्र वाले झूठे हैं। असली ज्योतिषी भगवान है या मनुष्य है? भगवान ज्योतिष की जो भी बातें बोलता है ब्रह्मा के मुख से, वो एक एक वाक्य पत्थर की लकीर है, वो नहीं झूठी होती। और मनुष्यों की भविष्यवाणी झूठी हो जाती है। सीता को रावण ने गिर जाए और आगे आगे करने रखा, तो हनुमान ने अंग भी लेके गया और सीता को दे दी, ये क्या है? यादगार है और क्या है? यादगार है। बात तो बोलते हैं आपके में सेवा को, 9 रत्नों से जो जड़ी हुई होती है उसको अंगूठी कहा जाता है। क्या? हाँ,
जिस जो अंगूठी जिस उंगली में पहनी जाती है खास करके, वो कौन सी उंगली है? ये उंगली, उसको कहते हैं अनामिका। क्या कहते हैं? अनामिका। उसका नाम अनाम है। नाम किसका पड़ता है, शरीर का कि आत्मा का? शरीर का नाम पड़ता है, वास्तव में आत्मा का नाम नहीं पड़ता है। तो जो आत्मा है असली, वो ही असली सीता है। वो असली सीता राम को हर समय ज्यादा याद रहती है कि जो सोने की मूर्ति बनाई थी रावण के ले जाने के लिए, वो ज्यादा याद रहती है? हैं? हाँ, वो सोने की अंगूठी ज्यादा याद रहती है, तो वो हर समय हाथ में पहनी जाती है। ये हाथ नहीं, ये बुद्ध रूपी हाथ में पहनी जाती है। तो वो अंगूठी की याद दिलाई। और बाबा, बाप बोलते हैं अफ्रीके में सेवा तेजी से चल रही है। अफ्रीके में सेवा तेजी से चल रही है। 2004-05 से ही बोलना शुरू कर दिया है। अगर उनको बाप का पहचान नहीं है, बाप की पहचान नहीं है, उनको तो बाप की पहचान नहीं है। हाँ, तो सेवा कैसे चल रही है? बाप की पहचान नहीं है, फिर भी दिव्य गुणों की पहचान तो है या नहीं है? पवित्रता की पहचान है, पवित्रता की पहचान तो है, बेसिक ज्ञान तो है पक्का है। बेसिक ज्ञान में मिक्सरिटी तो नहीं है ज्यादा। और जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बैठे हुए हैं और धर्म में कन्वर्ट होने वाले, उनके ज्ञान में तो मिक्सरिटी मिक्स हुआ पड़ा है ज्ञान। वो तो जो ब्रह्मा बाबा ने सुनाया वो ही बातों को रिपीट करने वाले हैं। तो असलियत को रिपीट करना खराब बात है क्या? ज्ञान में भी सच्चे और निराकार की याद में भी, याद में भी सच्चे, गुणों में भी सच्चे, प्योरिटी में भी सच्चे और सेवा में भी तीखे हैं या नहीं? सेवा में भी तीखे। देवजी ने कृष्ण को जन्म दिया। हाँ जी। हाँ, ये और पालन किया। ये क्या है? कमाल है। देवकी किसकी पत्नी है? वासुदेव की नहीं, वसुदेव। वासुदेव कहेंगे तो वसुदेव का बच्चा हो जाता है। ब्राह्मण कहेंगे तो ब्रह्मा का बच्चा हो जाता है। वैष्णव कहेंगे तो विष्णु का बच्चा हो जाता है, फॉलोअर। वसुदेव की पत्नी थी। वसु माने धन संपत्ति, देव माने देने वाला। तो कौन है ज्ञान की धन संपत्ति देने वाला? है, है? शिव बाप। शिव बाप जब आता है इस सृष्टि पर तो पहले पहले अपनी पत्नी किसको बनाता है? हैं? हैं? जगदम्बा को बनाता है। तो देव की हुई कि नहीं है? वसुदेव की पत्नी कौन हुई? जगदम्बा। जगदम्बा हो गई देव की। और फिर उसकी पालना किसने की? वो माताओं के अंदर ढूंढो, माताओं में जो माता निकले सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली, वो यशोदा हो गई। यश दे तो यशोदा, और अपयश दे तो यशोदा कही जाएगी। हैं? यशोदा तो नहीं कही जाएगी। और एक तो मनुष्य आत्माएं होती हैं या नहीं?
है, होती है। पशु पक्षियों की आत्माएं होती है कि नहीं? अंतर क्या होता है? है, बुद्धि का अंतर होता है। वो जड़ बुद्धि है और मनुष्य चैतन्य बुद्धि है। पशु पक्षियों के मुकाबले जो कीड़े मकोड़ों की आत्माएं हैं, वो आत्माएं हैं कि नहीं? अंतर क्या है? उनको कीड़े मकोड़े क्यों कहा जाता है? पशु पक्षी फिर भी अच्छा नाम है, है? क्योंकि उनकी बुद्धि बिल्कुल ही डल है, इसलिए कीड़े मकोड़े हैं। अच्छा, उनको भी छोड़ दो। पेड़ पौधे, इनमें आत्मा है या नहीं है? है, है? कोई पेड़ हो हरा भरा बड़ा सा, उसकी एक जड़ काट दो नीचे तो ऊपर का जो टहनी है वो सूखने लगेगी, तुरंत सूखने लगेगी। तो इसे क्या साबित होता है? उसमें भी आत्मा है। माना आत्माएं ही पतित से पावन बनती हैं या सारी सृष्टि पतित से पावन बनती है? हैं? आत्मा ही बनती है। अच्छा, प्रकृति पावन नहीं बनेगी? प्रकृति के पांच तत्व पावन नहीं बनेंगे? तो पांच तत्वों में ये पृथ्वी जलवायु अग्नि जड़ चीजें नहीं आती हैं? ये पावन नहीं बनेगी? ये भी बनेगी। तो पृथ्वी जब पावन बनेगी तो उसका अणु अणु पावन बनेगा कि नहीं? वो भी पावन बनेगा। इसका मतलब सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा प्राणी कौन हुआ? मनुष्य। मनुष्य के सुधरने से सारी दुनिया सुधर जाती है और मनुष्य के बिगड़ने से सारी दुनिया बिगड़ जाती है। इसका मतलब शास्त्रों में लोगों ने उल्टा अर्थ लगा दिया। मनुष्य जब याद में रहता है तो अंत समय में उसकी याद का प्रभाव ऐसा दुनिया में बढ़ेगा कि कण कण याद से भर जाएगा। क्या? इस दुनिया का कण कण याद से भरा पूरा होगा। इसलिए लोगों ने आज कह दिया परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे, परमात्मा सर्वव्यापी है या उसकी याद सर्वव्यापी है? याद सर्वव्यापी है, लेकिन अब वो याद की पावर नहीं रही। अब किसकी पावर आ गई? माया की पावर आ गई। तो उन आत्मा में माया सर्वव्यापी हो गई और बाप तो गया। बाप अभी एक व्यापी है या सर्वव्यापी है? बाप एक व्यापी होकर रह जाता है और आत्माएं सर्वव्यापी हैं। जहां देखो वहां कण कण में आत्मा का वास कहा जाता है। भक्ति मार्ग में जो भी बातें कहते हैं कहां की बातें हैं? है? संगमयुग की बातें हैं। वास्तव में कण कण में भगवान व्यापी नहीं है, कण कण में आत्मा का अस्तित्व है। आत्मा की याद की पावर भरी हुई है, विकृत पावर है, माया की पावर भरी हुई है, पांच विकारों की पावर भरी हुई है। जमीन भी कैसी हो गई? कलराठी। उसका अणु अणु कलराठी हो गया। हजार दो हजार साल पहले इसी धरती पर स्वर्ग था, हरियाली ही हरियाली थी चारों ओर। अब बंजर क्यों होता जाता है? क्योंकि वो याद की शक्ति अणु अणु में से निकल गई। और बाबा सुभाष चंद्र बोस का पार्ट बेहद में प्रजापिता वाली आत्मा से टैली होता है।
हद के सुभाष चंद्र बोस का ये नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका बेहद का अर्थ क्या है? अच्छा, खून का बेहद अर्थ बताया कि नहीं बताया? हैं? क्या बताया? खून माने संकल्पों का खून, वो भी संकल्पों का खून कैसा, शुद्ध या ज्ञान युक्त? ज्ञान युक्त संकल्पों का खून दो, अर्थात जो बाबा ने बताया है वो संकल्प करो, दूसरे संकल्प न करो। ये खून तुम ईश्वरीय सेवा में दोगे तो तुम यदि तुम्हारी आत्मा को आजादी स्वतंत्रता हासिल हो जाएगी। आपको लिख के देने की जरूरत नहीं, आप बोलिए ऐसे ही धड़ाधड़। अरे आप लोग तो बैठे हैं, मराठी में बोलो धड़ाधड़। है बाबा ने दूसरी भाषाएं बोलने सीखने के लिए मना नहीं किया है क्या? दूसरी भाषाएं ज्यादा से ज्यादा सीखे हुए होंगे तो हम दूसरों को ज्यादा से ज्यादा समझा सकेंगे। आप जो शूटिंग चालू है, आप जो शूटिंग चालू है, शूटिंग चालू है वो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी मैं मिलकर पाठ कर रही है, अलग अलग शूटिंग कर रही है। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी आत्माएं मिलकर पाठ कर रही है कि अलग अलग कर रही है? अब उनका स्थान तो अलग ही अलग है। वंशी जब कहा गया सूर्यवंशी तो उनका परिवार अलग होगा या एक जगह होगा? और चंद्रवंशी तो चंद्रमा के वंश वाले अलग होंगे, वो वंश सूर्यवंशियों के घर में ही रह रहा होगा, अलग ही होगा। उनका स्थान अलग, उनका रहन सहन अलग, उनकी चाल चलन अलग, उनको पढ़ाने वाले अलग, उनको वर्षा देने वाले अलग। चंद्रवंशियों को वर्षा देने का निमित्त बनेगा चंद्रमा, सूर्यवंशियों को वर्षा देने का निमित्त बनेगा सूर्य। जो ब्राह्मणों की भाषा नहीं है लेकिन फिर भी दिन भर में हम मजाक मजाक में गंदे शब्दों का बोल प्रयोग करते हैं तो इससे हमारी क्या शूटिंग होती है? दुनिया में भी जो बड़े आदमी होते हैं, रायल आदमी होते हैं, वो रायल भाषा बोलते हैं, और जो भंगी चमार होते हैं वो क्या बोलते हैं? उनकी भाषा भी उजड्ड भाषा होती है। तो यही शूटिंग हो रही है। शूटिंग कहां होती है? यही शूटिंग होती है। जैसी अभी करेंगे वैसी वहां भरेंगे। बाबा ने तो बोला नहीं है कि खराब भाषा बोलो, बाबा तो कहते मीठा बोलो, धीरे बोलो और कम बोलो। शास्त्रों में जो अर्थ आए हैं, हद के आए हैं, बेहद के आए हैं, हद के अर्थ आए हैं। अर्थ तो हद के हैं, हद में समझ लिए हैं, लेकिन उनका अर्थ बेहद में है। जब जैसे ये बोला है चाणक्य में, चाणक्य सीरियल में तक्षशिला को अक्षय ज्ञान तपस्वियों ऋषियों वीरों की भूमि माना जाता था, जैसे कि आज काशी को माना जाता है। तक्षशिला में पढ़ाई पढ़ने वालों को बहुत महत्व दिया गया है। इसका बेहद में अर्थ क्या है? नाम ही है उसका तक्षशिला। पढ़ाई लिखाई में तक्षण असर कहां होता था? उसी समय पढ़ाई पढ़ी उसी समय एकदम बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती थी, बाकी पढ़ी हुई पढ़ाई वाले ऊंचे व्यक्ति समझे जाते थे।
तो तक्षण जिसका अर्थ होता है उसका नाम लिख दिया तक्षशिला, बाकी वो कोई तक्षशिला नहीं जो पश्चिम भारत में बताई गई है। हो तो 2500 साल की बात हो गई, ऐसा समझते हैं क्या? 2500 साल की हिस्ट्री किसी के पास है? वो किसी के पास है नहीं, कुछ का कुछ हो गया गड़बड़। त्रिमूर्ति दिखाते भी हैं, परंतु शिव को उड़ा दिया है, उनका विनाश कर दिया है। ठिककर भित्तर में ठोक उनकी लाश गुम कर दी है। वो है तो आत्मा ही, खाती भी है, ज्ञान का सागर भी है। इसका अर्थ क्या है? जो त्रिमूर्ति दिखाई गई है ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार के आधार पर बनाए गए चित्रों में, वो एक्यूरेट है या इनएक्यूरेट है? यथार्थ है या अयथार्थ है? अयथार्थ बताई है। यथार्थ जो त्रिमूर्ति का चित्र यज्ञ के आदि में था, जिसका उन्होंने चित्र दिखाया ही नहीं है। वास्तव में यहां तीसरी मूर्ति का नाम क्या दिया है? इस वाक्य में तीसरी मूर्ति का नाम क्या दिया है? शंकर नाम नहीं दिया। फिर से पढ़ते, त्रिमूर्ति दिखाते भी हैं परंतु शिव को उड़ाए दिया है। क्या नाम दिया? शिव नाम दिया। शंकर नाम क्यों नहीं दिया है? है? हाँ, क्योंकि यज्ञ के आदि में जो पार्ट बजाने वाली आत्मा थी वो शिव ही थी, परंतु जब झगड़ा हुआ दो पार्टियां बन गई यज्ञ में, तो ब्रह्मा बाबा तो अपने कराची चले गए, दुबक गए जाके। कहां? सागर के कंठे पर उनका जो बंगला था वहां चले गए बिना बताए, किसी को पता ही नहीं चला। सामना किसको करना पड़ा सारा है? जो भी सारा विरोध हुआ, उस सारे विरोध का मुकाबला करना पड़ा शिव बाबा को। तो उनका रथ तो होगा ना कोई, तो जो रथ था उसको उड़ा दिया, उनका विनाश कर दिया। बिंदी का विनाश होगा क्या? है? किसका विनाश कर दिया? शरीर का विनाश हुआ। ठिक कर भित्तर में ठोंक उनकी लाश गुम कर दी। शिव जब प्रवेश करते हैं तो जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को वो मुकर्रर रथ ज्यादा याद रहता है या बिंदी ज्यादा याद रहती है? हैं? मुकर्रर रथ ज्यादा याद रहता है। तो मुकर्रर रथ ही जब शिव समान बन जाता है, बाप समान बन जाता है, तो उसकी याद सारी सृष्टि में फैल जाती है। इसलिए बोला कि उनको ठिककर भित्तर में ठोंक दिया है। ठिककर माने मिट्टी का ढेला, भित्तर माने जो दीवाल बनाई जाए, सब में व्यापक हो गया। उनकी लाश को गुम कर दिया है, तो वो आत्मा ही क्या? परमपिता परमात्मा नहीं है, खाती भी है। शिवबाप खाता है क्या? तो नहीं खाता, वो तो अभोक्ता है। वो ज्ञान का सागर भी है। कौन? शिव। शिव बाबा सागर खारा भी और सागर मीठा भी।
सागर से ही नदियां निकलती हैं और सागर में ही समा जाती है। ऐसा तो नहीं बोला है। माताओं के लिए डायरेक्शन है कि बाबा को बच्चा बनाना है, अगर नहीं बनाएंगे तो पाप चढ़ जाएगा। ये अपनी तरफ से ऐड कर दिया। ये बताया कि माताओं को पहले पहले अपना बच्चा बनाना पड़े। क्या पहले कौन सा संबंध बाबा के साथ जोड़ना पड़े? शिव बाबा हमारा बच्चा है, उसके बाद फिर साथ चाहे जो संबंध निभाए माने। ये तो अपनी अपनी बुद्धि की बात है ना, मानना या ना मानना। और बाबा तो बहुत चालाक है, है? रमतू रमजवाद क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? बुद्धिमानों की बुद्धि क्यों कहा जाता है? है ना, वो तो जानता है ना एक एक की गटकी। वो जानता है कि माताओं में भावना बहुत होती है, और माताओं ने अगर एक बार शिव बाबा को अपना बच्चा बना लिया तो फिर दूसरा संबंध उनका बुद्धि में भावना नहीं आएगी कि इसके साथ, इस बच्चे के साथ हमारा ऐसा भी संबंध हो वैसा भी संबंध, फिर क्या अच्छा लगेगा? है बच्चा ही अच्छा लगेगा। एंट्री रजिस्टर में एक कालम है शिव बाबा के साथ क्या संबंध है, तो माताएं अगर उसमें सर्व संबंध लिखती हैं तो गलत है या सही है? हा? अरे सही है, गलत काहे के लिए? लेकिन उसमें सर्व संबंधों में भी मुख्य कौन सा है? बच्चे का संबंध। हिरण्यकश्यप वाली आत्मा का पार्ट किसका है? बाबा पार्ट बताते हैं? पार्ट तो बताते नहीं। बाबा कहते हैं काश्य रूपी तेज को पी जाने वाला, तो काश्य रूपी तेज तो सबसे जास्ती योगनिमा में है, ठीक है? है तो है? उसको माया नहीं खाएगी? माया रावण खाएगा नहीं क्या? खाएगा, तो वो हिरण्यकश्यप हो गया। चाणक्य में दिखाते हैं कि चाणक्य ने कांटों को नाश करने के लिए कांटों की खुदाई करके उसमें मट्ठा डाल दिया। आज चंद्रगुप्त आकर पूछता है, आचार्य जी आप क्या कर रहे हैं? तो चाणक्य ने कहा कंटक ने मुझे आहत किया, तो इसका समूल नाश करने के लिए मट्ठा डाल रहा हूं। थोड़ी देर में चीटियों का झुंड आया और कंटकों को नष्ट कर दिया, उठा के ले गई। तो बाबा तो मुरली में बोलते हैं कि मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। माना रुद्रमाला के मण के कांटा है ना, कांटा बोल दिया, फिर ये कांटों को नष्ट करने वाली बेहद में चीटियां कौन है? अरे चाणक्य में जो द्वापर के आदि की बात है उसमें क्या शिव बाबा था? हा? नहीं,
अब संगम युग में जो चाणक्य वाली आत्मा का पाठ चलेगा उसमें कौन काम करेगा? हैं? शिव बाबा। तो शिव बाबा तो कांटों को फूल बना सकता है, चाणक्य नहीं बनाएगा, लेकिन शिव बाबा तो बनाएगा। महाशिवरात्रि और पुरुषोत्तम संगम युग है। महाशिवरात्रि और पुरुषोत्तम संगम युग दोनों एक ही है। पुरुषोत्तम संगम युग का वो सेकंड जिसमें शिव संसार के सामने 100% प्रत्यक्ष हो जाए, प्रत्यक्ष होने वाला हो, प्रत्यक्ष हो गया नहीं, हो जाए नहीं, प्रत्यक्ष होने वाला हो, उसको कहेंगे महाशिवरात्रि। अभी अज्ञान अंधकार बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है, सारी दुनिया में बढ़ रहा है, सारी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में अज्ञान अंधकार घट नहीं रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते 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 इतना बढ़ जाए कि अति का अंत हो जाए। तो वो अति का अंतिम सेकंड जो होगा उसे क्या कहेंगे? महाशिवरात्रि कहेंगे। महाराज ने जी कहते हैं बाबा कृष्ण की उंगली कट गई है, कृष्ण की उंगली कट गई, कट गई, द्रौपदी ने उसको काट के दिया है, उसके बदले द्रौपदी को ढेर के ढेर साड़ी मिल गया। क्या मिल गया? साड़ियाँ, ढेर के ढेर साड़ी मिल, साड़ियाँ मिल गई। कौन सी साड़ी मिल गई है? ये क्या है? ये क्या है? ये तो पूरा हाथ है, इसे कहते हैं भुजा। भुजा माने क्या है? भुजा माने सहयोगी। क्या? भुजा माने सहयोगी। और भुजा में ये है उंगलियां, ये किसकी सहयोगी है? ये भुजा की सहयोगी है। उसमें भी नंबर बार उंगलियां हैं, ये तो बहुत मजबूत है, ये नंबर बार है, हैं? हाँ, तो जो उंगली कट गई, रक्त बह गया, तो उन्होंने पल्लू फाड़ के और रक्त को बंद कर दिया। तो कृष्ण की बात है या भगवान की बात है? साड़ियां भगवान ने दी थी या कृष्ण ने दी थी? भगवान ने दी थी, यानी भगवान की कोई भुजाओं में, भुजा रूपी भुजाओं में कोई ऐसी भुजा है जिसमें कोई उंगली भी है, अंगुली माने भुजा की भी सहयोगी है, है वो अंगुली कट गई। कट गई माने कोई कष्ट आ गया, तो उस कष्ट को निवारण करने के लिए उन्होंने क्या किया? अपनी थोड़ी सी साड़ी फाड़ी और उसको लपेट दिया, खून बंद कर दिया। अब साड़ी माने क्या है? हैं? हैं? साड़ी माने सहयोगी आत्मा नहीं, सहयोगी आत्मा तो भुजा बताई, भुजा की भी सहयोगी आत्मा ये उंगलियां बताई। जैसे कहते हैं कि कृष्ण ने कनिष्ठिका उंगली के ऊपर पहाड़ उठा लिया, तो जो उंगलियां हैं सहयोगी उंगलियां हैं, उन उंगलियों में 16,000 उंगलियों में से सबसे छोटी जो उंगली थी उसके ऊपर 16,000 गोप गोपिकाओं का पहाड़ उठा लिया, उनकी पालना कर ली, पालना करके दिखा दी, स्थापना करके दिखा दी। किसने? भगवान ने दिखाई, लेकिन वजन किसके ऊपर पड़ा? उंगली के ऊपर पड़ा।
तो वो उंगली कौन सी उंगली है, है? कनिष्ठिका तो है, कनिष्ठिका माने सबसे छोटी उंगली तो है। ये जितना वजन उठा लेगा उतना ये नहीं उठा पाएगी, ये जितना वजन उठा सकती है उतना ये नहीं उठा पाएगी, और सबसे कम वजन कनिष्ठिका उठा पाएगी। तो जो सबसे कमजोर उंगली है, जिसके लिए लोगों ने क्या बाबा ने ही कहावत बना दी, नैया डोलेगी हिलेगी लेकिन, तो वो कौन सी है सबसे छोटी उंगली? पीपल के पत्ते के मिसल हल्की नवैया, जगदम्बा। तो वो जगदम्बा कट जाती है, क्या खंडित हो जाती है। वो खंडित हुई उंगली को, भगवान की उंगली है ना, भगवान की सहयोगिनी नहीं है, सहयोगिनी है, तो उसको खंडित को जोड़ने के लिए तसल्ली देने के लिए उन्होंने अपनी साड़ी का थोड़ा सा छोड़ फाड़ दिया। साड़ी किसे कहा जाता है? शरीर, माने जो शरीर है उस शरीर रूपी अंग का थोड़ा सहयोग दे दिया, वो ही साड़ी है। और आत्मा के शरीर में 16,000 यक्षात्मा भी है और हड्डी 108 है, हड्डी 108 है और राइट साइड को 8 नाड़ी सचिव चलती रहती है, राइट साइड को 8 नाड़ी सचिव चलती, सचिव सचिव चलती, अच्छा पॉजिटिव। हाँ, के 8 नाड़ी रंग चलती रहती 800। अब आप मराठी नहीं बोल रहे इसलिए गड़बड़ हो रहा है। 16,108 हाँ, तो 8,000 हुई ना, 800 बोल रहे हो, 8,000 राइटियस हैं और 8,000 लेफ्टिस्ट हैं। तो वो ये 16,000 गोपिकाओं की बात है, 16,000 जो गोपिकाएं हैं उनमें आधी हैं विराट पुरुष की लेफ्टिस्ट और आदि है विराट पुरुष की राइटियस। जो राइटियस नाड़ियां हैं वो शुद्ध खून बहाने वाली हैं, क्या उनमें विचार का खून नहीं बहता, और जो लेफ्टिस्ट नाड़ियां हैं उनमें नंबर वार विचार का खून बहता है, वैश्यापने का। वैश्यालय की दुनिया में जैसी बुद्धि चलती है ना लोगों की, ऐसी बुद्धि चलती है। तो आधा काला खून बहाने वाली और आधी शुद्ध खून बहाने वाली। और बाबा शिव जिस रथ में प्रवेश करते हैं उसी की भाषा बोलते हैं, शिव उसी की भाषा बोलते हैं, ताकि पता न चले। तो जब ब्रह्मा बाबा में प्रवेश किया तब उनकी भाषा सिंधी भाषा थी, सिंधी भाषा बोलना चाहिए, हिंदी क्यों बोली? लेकिन पहले किस में प्रवेश किया है? प्रजापिता में प्रवेश किया। तो बाप ने बाप की भाषा बोली है या अम्मा की भाषा बोली है? तो अम्मा की भाषा की बात कर रहे हैं। बाप की भाषा जो है वो ही होती है कि जैसे तन में प्रवेश करेंगे वैसी ही भाषा बोलेंगे। और चलो एक और रह गई है, किसी ने लिखा है अगर किसी को बाबा से ज्ञान से बिल्कुल अनिश्चय नहीं है बिल्कुल अनिश्चय नहीं है माना 2-4% निश्चय है, अब ऐसे कहेंगे 100% हमारा बाप नहीं है, 50% है,
अरे बाप है तो है, नहीं है तो नहीं है, ऐसे कैसे कहेंगे? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो आगे, लेकिन ब्राह्मण परिवार से कोई आत्मा जिसको बिल्कुल अनिश्चय नहीं है बाबा पर, थोड़ा अनिश्चय है, लेकिन ब्राह्मण परिवार से असंतुष्ट होकर परेशान होकर खुद में भी सहन करने का सामर्थ्य न होने के कारण यज्ञ से लिख कर चली जाती है, और बाहर रहकर के जहां तक हो सके अपने को संभाल कर चलती है, पुरुषार्थ करती है। ऐसी आत्माओं का पार्ट क्या होगा, शूटिंग क्या होगी? पहली बात तो बाबा ने यही बता दिया, मधुबन से बाहर जाने पर माया मुंह फैलाए खड़ी हुई है। जो समझते हैं हम बाहर जाकर के भी अपने को कंट्रोल कर लेंगे, वो बिल्कुल झूठी बात है। ये तो हो ही नहीं सकता। कहां सेफ में रहे पड़े हैं और कहां बाहर की दुनिया, अंतर नहीं है। दूसरी बात, निश्चय अनिश्चय की जो पहले ही बता दी। तीसरी बात, ब्राह्मण परिवार में सरेंडर होने के बाद काशी में करवट खाने जाते थे, पूर्व जन्म के सारे पाप उसी समय नष्ट हो जाते थे। तो यहां भी जो जिस समय सरेंडर होते हैं, सरेंडर होने के साथ साथ उनकी बुद्धि सतोप्रधान होती है या उस समय तमोप्रधान होती है? सतोप्रधान होती है, तब सरेंडर होते हैं, तमोप्रधान बुद्धि बनती है, तब भागते हैं। क्यों भागते हैं? यज्ञ में रह करके बाबा जो रोज रोज पढ़ाई पढ़ाते हैं, उस पढ़ाई के एकदम बरखिलाफ काम करते हैं, तो सगुण बोझा चढ़ता है, कमजोर आत्मा बनती है, असंतुष्ट होते हैं, परेशान होते हैं, सहन करने की सामर्थ्य खत्म हो जाती है। तो जो करना चाहिए सो नहीं करना, और ही लिख करके और क्या करके चले जाना, डाइवोर्स दे करके चले जाना, और ही पाप बढ़ा लिया, तो हालत खराब होगी अच्छी होगी? बल बाबा कहते हैं माया पहले पहले बड़े आराम से संभालती है, शुरुआत में जैसे चूहा फूंक दे करके डंक मारता है, फिर बाद में अच्छी तरह हड्डी कुड्डी तोड़ेगी। ओम शांति।